गुड़िया की शिकायत लेके कि उसके साथ में आपकी गाड़ी के जो ड्राइवर जो भी गाड़ी चल रही है स्कूल में उसमें बच्ची के साथ में छेड़छाड़ किया गया है। हमने पेरेंट्स की बातों को सुना और हमें ऐसा कहीं पॉइंट लगा कि शायद हो सकता है कि ड्राइवर की गलती हो, तो हमने तत्काल पुलिस विभाग में इसकी सूचना दी गई और उसको पुलिस के सुपुर्द किया गया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे स्कूल की भी मान मर्यादा की बात आती है कि अगर इससे कोई हादसे होते हैं तो उसमें पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए और स्कूल वालों को भी अवेयर रहना चाहिए। और अभी तक पेरेंट्स की तरफ से ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई थी कि हमारे बच्चों के साथ में ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहली बार ऐसा कोई शर्मनाक हादसा हुआ है, इसके लिए हमने हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए थी स्कूल की तरफ से वो की गई है। ऐसा पब्लिक स्कूल आलोट में पढ़ने वाली एक 4 साल की बच्ची के परिजन बच्ची को लेकर थाने पर आए। इन्होंने बताया कि उनकी बच्ची रोजाना 10 बजे घर से मैजिक गाड़ी में, जो कि स्कूल का मैजिक वाहन है, मैं बैठकर स्कूल जाती हैं और 2:30 बजे करीब स्कूल से छुट्टी होने के बाद उसी मैजिक से वापस घर पे आ जाती हैं। रोजाना की भांति आज भी बच्ची 2:30 बजे करीब स्कूल से घर आए तो बच्ची की माँ ने उसके कपड़े चेंज किए तो बच्ची को सीने में दर्द हुआ, जिस पर उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि जो मैजिक के जो ड्राइवर हैं उनने उसको सीने पर काटा। बच्ची को थाने उसके परिजनों द्वारा लाए जाने पर उसकी माँ की रिपोर्ट पर आरोपी चालक मनोहर पिता किशनलाल लोहार निवासी डुंगरिया थाना मैत्री रोड के खिलाफ धारा 354 और 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों की कतार लगातार एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।